रिव्यू इज अमेजिंग. अच्छे जी और ऑल द फोर स्टार देखो ना पृथ्वी जी आप भी ऐसा कोई बैड मोमेंट हो सेल्फी यू नो फैन के साथ कभी कभी बहुत बार ऐसा तो हमने देखा है कि आपके शूज पे व्हाइट शूज पहने और पैर रख दिए या कभी किसी इस तरह का कोई मोमेंट हो एक्चुअली जहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहोगे. कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पैर रख भी दिया तो क्या हुआ है? इसका हक है कभी कभी होता है भीड़ भाड़ में पैर रखते जान बुझ के थोड़ी कोई रखना है. ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी कोई फैंस के साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो ऐसा रहे कि बहुत खराब रहा है. बहुत बढ़िया है. थोड़ी धक्का मुक्की होती रहती है लेकिन वो तो बनता ही है. आई मीन इसमें तो दो कोई राय नहीं कि आज जो कुछ भी हम अपने फैंस के लिए हैं एंड इट्स जस्ट उनका प्यार है एक्साइटमेंट है जो आप लोग बोलते हैं. आई थिंक एक्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड एंजॉय दैट. आई डोंट नो ऑफ एनी एक्टर हु डजंट एंजॉय दैट. सो द फॉर मी एट लीस्ट द फ्रेंजियर गेट्स द मोर एक्साइटेड हैप्पी आई गेट क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. हम आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से. या स्पेशली द गर्ल्स इन फैक्ट व्हेन दे कम टू टेक सेल्फी लाइक सडनली दे ट्राई टू गेट वेरी क्लोज यू नो. कभी-कभी ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ कभी कुछ हुआ जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल है? They want to come and take that. Yeah. It's exciting. It's sweet. It's really humbling. And I think you know that's for me what I take away from it. But yes, it can sometimes when there's a lot of people and a lot of crowd, it sometimes get a little uncomfortable. But you know, it's all in the excitement of it. मेरा तो इंसिडेंट मैंने आई थिंक बताया भी था. बहुत पहले किसी ने हाथ रख दिया था. बट आई टेल यू ये होता क्यों है क्योंकि आप कितने फ्रेंजी में होते हो. अभी हम जब बाहर आए थे स्टेज पे देयर वर सो मेनी पीपल हु वांटेड अ पिक्चर विद अक्षय सर. उस भागम दौड़ी में ना एक सेकंड मिलता है आपको एंड यू फील लुक्स एक